देश की राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रही है। हालात इतने खराब हैं कि अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आर्थिक मदद के लिए केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार से गुहार लगाई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मदद के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर बाकायदा दिल्ली मेट्रो की माली हालत की जानकारी दी है। पत्र में डीएमआरसी ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो के संचालन के लिए मदद की जरूरत है। डीएमआरसी के सामने गहरा संकट पैदा हो गया है। ऐसा संकट पहले कभी नहीं सामने आया। कोरोना काल में बीते 9 महीनों में मेट्रो को 1910 करोड़ रुपए परिचालन घाटा हुआ है। अगर घाटा इसी तरह चलता रहा तो मेट्रो के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने बीते 9 माह में कुल परिचालन लागत 2202 करोड़ रुपए, जिनमें जापानी कंपनी जीका का लोन किस्त भी शामिल है, वही परिचालन से कमाई महज 247 करोड़ रुपए ही हुई है। दिल्ली मेट्रो की मुख्य कमाई का जरिया भी मेट्रो परिचालन और यात्री किराए से है। इसके अलावा संपत्ति से आने वाला किराया है। मगर 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन के बाद मेट्रो को ना तो अपनी संपत्ति का किराया मिला है और ना ही परिचालन से कोई कमाई हुई। मेट्रो अभी भी पाबंदियों के बीच चल रही है, जिसकी वजह से पूरी क्षमता के साथ यात्रियों की आवाजाही मेट्रो में मुमकिन नहीं है, जिससे रोजाना मेट्रो को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीते 9 महीने में परिचालन लागत और कमाई के बीच अंतर को भरने के लिए मेट्रो ने 1910 करोड़ रुपए कंसल्टेंसी शुल्क का प्रयोग किया है। ये पैसा डीएमआरसी दूसरी योजनाओं में सलाहकार के तौर पर कमाए हैं। ये प्रोजेक्ट डिवीजन की ओर से मैनेज किया जाता है। इस रकम को लेने के बाद अब मेट्रो के पास कंसल्टेंसी शुल्क का महज 260 करोड़ रुपए ही बचा है। दिल्ली मेट्रो में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार 50-50 फीसदी के पार्टनर हैं। मेट्रो फेज एक और दो में अगर परिचालन घाटा होता है तो उसकी भरपाई 50-50 फीसदी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार करेंगे। मगर मेट्रो फेज तीन में अगर कोई घाटा होता है तो उसकी पूरी भरपाई दिल्ली सरकार को करनी होगी, क्योंकि ये लाइन मेट्रो नीति आने के बाद बना है, जिसमें अकेले जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जो सेक्शन दिल्ली से बाहर के हैं, वहां की भरपाई वहां की राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिलकर करेंगे। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।